आप जो है वो थर्ड गियर पे चला रहे हो, यहाँ पे कई ढेर सारे टर्निंगें होती हैं, उन टर्निंगों पे आपको ध्यान देना होगा कि कभी भी कोई भी कहीं से टर्न कर देगा। देखो सामने वाला टिगोर वाला टाटा टिगोर कर दे, उसने सिग्नल नहीं दिया, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना। जैसे कि आप अभी चला रहे हो थर्ड गियर पे, थर्ड गियर की स्पीड आपने 10 की कर दी है, ये वैगनार कार है इसलिए पिकअप बना ली थर्ड गियर पे। अगर इसकी जगह पे अल्टो कार होती तो वो पिकअप नहीं बनाती, आपको लेफ्ट जाना होगा। मैम राइट का रास्ता नहीं है यहाँ पे, राइट का है तो वो यू टर्न करने के लिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट ऊपर जाएंगे फ्लाईओवर, ठीक है। और धीरे से जब भी कभी हम लोग स्टेयरिंग को घुमाते हैं तो धीरे धीरे घुमाते हैं, एकदम से नहीं घुमा देते हैं, क्योंकि पीछे बगल में आपके कोई होगा तो उसको दिक्कतें हो सकती हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे आपने थर्ड गियर पे बहुत ही कम स्पीड कर दिया था, अगर यहीं पे मैम आपकी आप एक रास्ते पर रखो मैम प्लीज़, आप और राइट जाओ, बहुत जगह मैम अभी आप राइट में और जाओ राइट, बस आप देखो पीछे लो जो भी जितने भी लोग हैं वो आपके लेफ्ट से तुरंत रास्ता चेंज कर देंगे, ठीक है। उस समय आप बीच में थे, उनको क्लियर नहीं था कि आप किस साइड में जाना चाहते हो, जब आप पूरा एक रास्ता ब्लॉक कर दोगे ना तो उनको पता जाएगा कि आप राइट में ही रहोगे, ठीक है। देखो बस वाला तुरंत देखो पूरा रास्ता ब्लॉक कर देगा, अब जिसको भी निकलना होगा लेफ्ट से ही निकलेगा। तो वैसे आप भी क्या करो, आप एक रास्ते में ना करो, एक साइड में ना करो, बीच में मत चला करो, देखो कोई हॉर्न नहीं दे रहा बस वाले को, कोई हॉर्न नहीं दे रहा, सब लेफ्ट से जा रहे हैं, देखते हैं ऐसे चलना होता है, आपको कोई हॉर्न नहीं दे रहा। आप एक साइड कभी भी चलाना है कार को तो आप एक साइड में रास्ते को पकड़ के चला सकते हो, ठीक है। थर्ड गियर का स्पीड लिमिट क्या होना चाहिए? थर्ड गियर की स्पीड लिमिट मैम 40 के करीब होती है, 40 के आसपास अभी भी ठीक है, अगर थोड़ा सा बढ़ा जाओ आप तो आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। और अगर आपको फोर्थ गियर लगाना होगा तो 40 प्लस होने के बाद ही फोर्थ गियर यूज कर सकते हो। थर्ड गियर फोर्थ गियर चलाना बहुत ही ईजी होता है, जब भी कभी आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कतें होंगी गियर या स्पीड, तो आपको फर्स्ट और सेकेंड गियर में ही दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा होती हैं मैम, हर एक लोगों को फर्स्ट और सेकेंड गियर में ही दिक्कतें होती हैं, प्लस रिवर्स में दिक्कतें होती हैं। रिवर्स में क्या होता है कि आपको सिर्फ थोड़ा सा रिवर्स करना होता है, जब तक आपको पीछे की साइडें क्लियर नहीं दिखेंगी जब तक कि आपको रिवर्स करने में प्रॉब्लम होगी वहाँ पे, ठीक है। गट सीधे जाना, जैसे कि अभी थोड़ा सा आप स्टेयरिंग को ना थोड़ा ज़्यादा घुमा रहे हो राइट लेफ्ट, तो स्टेयरिंग को बहुत ही हल्के हाथों से पकड़ो। ये जो आप कार चला रही हो वैगनार कार, ये एक पावर स्टेयरिंग कार है मैम, तो उसको ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना होता, जब भी कभी स्टेयरिंग को टाइट पकड़ना होता है वो नॉन पावर स्टेयरिंग होती है, उसको आपको टाइट कस के पकड़ के रखना होता है मैम, ठीक है। उसको कस के पकड़ के घुमाना होता है मैम ना, इसलिए तो उसको टाइट पकड़ना होता है। पावर स्टेयरिंग अगर आप कार कोई भी चला रहे हो छोटी या बड़ी कार, तो उसको आपको स्टेयरिंग को हार्ड नहीं पकड़ना होता, बहुत ही लूज, सिर्फ उसको टच करना होता है। यस, तो अभी आपको थर्ड दिन हो गया चलाते हुए, तो आपको क्या फील हो रहा चलाते हो मेरे साथ में? अभी तो आप मेरे साथ में बैठे हो, ये गलत किया आपने, कितना गलत है पता है आपने? तो अभी हल्का सा राइट टर्न किया, अगर मान लो कि इन केस थोड़ा ज़्यादा टर्न करते तो क्या होता पता नहीं समय, यही गलतियाँ हैं। ये ऐसी गलतियों से मैम आपको बचना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। ये हम नहीं कह सकते कि अब आप आगे नहीं कर सकते हो, हम नहीं कह सकते, क्या मालूम हो सकता है इससे आगे भी आपसे ज़्यादा बड़ी गलती हो सकती है, तो सामने वाला क्या कहेगा कि आपने सही नहीं सिखाया, है ना। लेकिन वो गलती किसने किया? आपने किया, है ना। तो समय का कभी कुछ पता नहीं है, तो इन सारी गलतियों से आपको बचना है। आपके अगर राइट या लेफ्ट से कोई अचानक आ जाता है तो आपको स्टेयरिंग नहीं टर्न करना होता, मैंने आपको फर्स्ट डे में ही बताई होगी ये सारी चीज़ें, कि आपको अगर कोई भी राइट और लेफ्ट से कोई भी आता है तो आपको स्टेयरिंग एकदम से नहीं टर्न करना होता है, आपको बस क्या होता कि सिर्फ स्पीड कम करना होता थोड़ा सा, वो खुद ही अपना आप बच के निकलेगा। आगे रेड सिग्नल होने वाला है, टाइमिंग देख लेना, ठीक है। 3, 2, 1, अब रेड सिग्नल हो चुका। अब पहले आप स्पीड करके कम कर लो, वहाँ पे खड़ी करना होगा कार को। कैसे खड़ी करोगे? पूरा क्लच दबा देना, धीरे से ब्रेक लगा देना, ठीक है। अब खड़ी करो धीरे से, हाँ, और फर्स्ट गियर लगा देना, पहले गियर न्यूट्रल करो पीछे, फिर लेफ्ट, फिर आगे। गुड, कितना बढ़िया हो, गुड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टाइमिंग देखना है, 7:09:08 है ना, जो भी टाइमिंग है। अब उसके बाद आपको चलना होगा यहाँ से, छोटे मैम हल्का हल्का क्लच, सिर्फ हल्का हल्का आपको क्लच छोड़ना है, हाँ, छोटे हल्का का, छोटे हल्का के क्लच, गुड, और सीधे जाना है आपको, ठीक है, गुड। अब हल्का हल्का एक्सेलेट करो, क्लच छोड़ गया ना, अब हल्का हल्का आप एक्सेलेट करो, हाँ हाँ करो, हल्का हल्का एक्सेलेट और करो, हल्का लेफ्ट आइए, हल्का सा और लेफ्ट, बस सीधा करो, हाँ जाते रहो, हल्का सा लेफ्ट में रखना, दो सिग्नल दे रहा, इसको अगर राइट टर्न करना था मैम तो राइट साइड में होना चाहिए था, है ना, इसे इसने गलत किया ना। चलो, तो ऐसे आपको सामने भी देखना होगा कि अगर आप हमेशा सही चला रहे हो, कभी क्या होता है कि मैम 99% आपकी गलती से गलती नहीं तो सामने वाले से गलती होती है मैम। लेफ्ट में रहो, राइट में मत जाना, कल मैंने आपको बताया था कि राइट साइड में कैसे चलाना होता है,
60 प्लस होनी चाहिए, ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए, सेकंड गियर लगाना होगा। आप बार बार गियर में भूल जा रहे हो, गलत बात है। आप जब भी कोई सा भी गियर लगाओ तो पहले गियर को न्यूट्रल करते हो, गियर न्यूट्रल चेक करते हो और फिर गियर लगाते हो। ऐसे करने में टाइम बहुत लगेगा। आप उसको गियर को पकड़ा करो, मैं लेफ्ट में रहो, राइट में जा रहे हो आप बार बार। राइट में चलाने में आपको क्या लगता है, कंफर्टेबल लगता है? नहीं मैम, बहुत स्पीड, बहुत बड़ा रास्ता मैम, आपको यहाँ नहीं चलाना चाहिए। आप यहीं पे चलाओ, अपना सीधा चलते जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। गट जाते रहना सीधे स्ट्रीट। और हल्का सा लेफ्ट आ जाओ मैम, हल्का सा, है ना, और आ जाओ लेफ्ट। गट अभी आपके घर पे कौन सी कार है मैम? एश क्रॉस। लेकिन अभी आपकी दूसरी कोई कार आने वाली, आप बोल रहे थे? हाँ, हाँ, हाँ। आगे 100 मीटर जाकर के राइट का यू टर्न होगा, वहां से हम लोग यू टर्न लेंगे मैम, ठीक है? या फिर गोल चक्कर से भी आप ले सकते हो। आपकी कार फिर राइट जा रही है मैम, हल्का हल्का गोल चक्कर लेकर भी घुमाना, वो गोल चक्कर आपको दिख रहा दूर से, ठीक है? गुड। सिग्नल आपको पहले ये चक्कर निकला है जो टर्निंग है, इसके बाद निकलने के बाद फिर आपको राइट सिग्नल। अगर आप पहले दे दोगे तो पीछे वाले समझेंगे कि आपको यहीं से घूमना है, है ना? हाँ, तो जब भी कोई टर्निंग हो उसको टर्निंग निकलने की वही टर्निंग होनी चाहिए जिस टर्निंग पर आपको घुमाना है, तभी आपको सिग्नल देना चाहिए, ठीक है? छोटी सी गलती आपने कर दी है, पता है क्या? चलो चलो बढ़ाओ स्पीड। क्या गलती की आपने, पता है? ठीक है, नहीं करना था आपको, रुकना था वहाँ पे, है ना? आप राइट का सिग्नल मार दो मैम, राइट का मैम, राइट का सिग्नल दीजिए, बता रहा हूँ, राइट दीजिए, नीचे करो सिग्नल। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? हमें जाना राइट है ना, तो राइट का देंगे। अगर लेफ्ट का सिग्नल दोगे तो लोग पीछे समझेंगे कि आपको लेफ्ट जाना है। ये तो गोल चक्कर हम लोग ले रहे हैं, वो तो सभी को पता कि हम लोग गोल चक्कर घुमा के तभी राइट टर्न करेंगे, ठीक है? गुड। अब अगर आपको राइट टर्न करना तो पूरा दीवार के साइड जाओ मैम। अभी देखा था वो पीछे वैगनार कार टर्न हो रही थी गोल चक्कर पे, उसकी कार बीच में थी, कितनी दिक्कतें हो रही थी लोगों को। तो अगर आप भी बीच में हो तो पीछे वाले को दिक्कतें होंगी, है ना? जब भी कभी राइट टर्न करना हो तो राइट पूरा सटा के रखो, पूरा रास्ता ब्लॉक रखो ताकि कोई निकले ना आपके राइट से, ठीक है? हाँ, और राइट जाओ ऐसे। गुड। तो आप एक साइड में सेफ हो, या आप एक साइड में सेफ हो, ठीक है? गुड। स्पीड का मत मारो, जाते रहो, आप जाते रहो, जाते रहो, घबराना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गुड, बिल्कुल नहीं जाते रहो। ऐसा हॉर्न दे दिया करो, जब भी आपके सामने कोई आएगा तो उसको हॉर्न दे दिया करो, बस, ठीक है, है ना? गुड। हल्का का लेफ्ट रखना मैम, और लेफ्ट रखते जाओ हल्के हल्का, हाँ, और आते जाओ लेफ्ट हल्का हल्का, हाँ, और लेफ्ट आते जाओ भी हल्का हल्का, और लेफ्ट आते जाओ हल्का सा, और लेफ्ट। अभी ग्रीन सिग्नल आप निकल सकते हो, है ना, 12 सेकंड है, आप निकल सकते हो आराम से। जाते रहे सीधे स्ट्रेट। गुड, सीधे स्ट्रेट।